चलिए आज हम अगला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम SMA, 4 नवंबर, प्रारंभ का वो 4 नवंबर सन 2017 को, हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्तापूर्वक प्रसवपूर्ण देखभाल निःशुल्क प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, प्रारंभ वर्ष 12 अप्रैल सन 2005, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल और मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दीव में कार्यान्वित किया गया। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी, महिलाओं के स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी सफाई और स्वच्छता प्रतिरक्षण और पोषण के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ 13 जनवरी सन 2016 को, प्राकृतिक आपदाओं और कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना, मेरा गांव मेरा गौरव, प्रारंभ वर्ष सन 2015 एक नई योजना प्रारंभ की गई जिसमें गांव तक वैज्ञानिक खोजों की प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए देश में कृषि विश्वविद्यालय ICMR के सभी संस्थानों के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रारंभ वर्ष 28 जुलाई सन 2014, स्वदेशी पशु नस्लों का विकास और संरक्षण, स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना ताकि अनुवांशिक सुधार और पशुओं को संख्या में वृद्धि की जा सके, दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य प्रारंभ वर्ष 25 सितंबर सन 2017, इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। उदय योजना, उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना, प्रारंभ 5 नवंबर सन 2017 को, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के द्वारा राज्य में सस्ती और सुलभ 24x7 बिजली उपलब्ध कराने में डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता करने का ध्येय। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रारंभ वर्ष 25 जुलाई सन 2015 को पटना में, उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, लक्ष्य 1 मई सन 2018 तक देश के 101,21,225 गांवों का विद्युतीकरण करना जो कि पूरा हो चुका है। भारतमाला परियोजना, प्रारंभ वर्ष 31 जुलाई सन 2015 को, प्रथम चरण की शुरुआत 25 अक्टूबर सन 2017 को, लक्ष्य उद्देश्य यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसके तहत नए राजमार्ग सहित उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है जो अब तक अधूरे हैं। इस परियोजना में सड़क के अलावा बंदरगाहों, राष्ट्रीय गलियारों को बेहतर बनाना व नए राष्ट्रीय गलियारों का विकास करना भी शामिल है। संपूर्ण योग्य ग्राम, प्रारंभ 19 मार्च सन 2018,
संपूर्ण योग ग्राम के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। यह अवधारणा केरल के कुन्नमथनम गांव से आई, जहां ग्राम पंचायत ने यह पहल की है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ वर्ष 1 जुलाई 2015। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंध अधिक फसल है, जिसके तहत सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य उद्देश्य में सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना 11 जनवरी 2019 को 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर यह परियोजना स्थापित की जा रही है। परियोजनाओं के अंतर्गत गिरी नदी पर 148 मीटर ऊंचे रॉक फील्ड बांध का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का निष्पादन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 1967 से आरंभ किया गया था, किंतु कतिपय कारणों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 19 मई 2018 को उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापार दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने के कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान की गई। बढ़ी हुई बीमा की राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है। ज्ञातव्य है कि 1 सितंबर 2000 से प्रदेश के प्रथम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम 30 जनवरी 2000 से परिवर्तित कर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उसके परिवार को बीमा राशि प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10% आरक्षण 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सहायक सामाजिक अन्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय को 12 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी 103वें संविधान संशोधन नियम के अनुरूप सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था को 14 जनवरी 2019 से प्रदेश में प्रभावी किया जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री मैदान में आयोजित जनसभा में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। किसानों को बैंक खाते में योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपये डिजिटल स्थानांतरित किया। इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को प्रति किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में मिलेंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश के में लगभग 8.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। कांदला गोरखपुर 100 पाइपलाइन 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में देश की सबसे लंबी 2,757 किलोमीटर कांदला गोरखपुर LPG पाइपलाइन रसोई गैस की नींव रखी। इससे देश की लगभग 1/4 आबादी को रसोई गैस की आपूर्ति हो सकेगी।
यह पाइपलाइन गुजरात के कांडला से अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए गोरखपुर तक आएगी, जिसके निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाए जाएंगे, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी 50% और भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हिस्सेदारी 25-25% होगी, जिसके निर्माण पर 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2019 से ही लागू है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये केंद्रांश शामिल है। 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्राशन से पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिशन इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत 3 लाख बच्चों का टीकाकरण, इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है, जिससे 7 प्रकार के टीके निवारण किया जा सके। ये 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, इंद्रधनुस्तंभ टिटनेस यानी धनुष टिटनेस बोलते हैं, पोलियो, अचमा, खसरा से राहत दिलाएगी।